डिंपल की साइकिल मैनपुरी से गुजरात पहुंची, वहां भी झंडे गाड़ाई। अब गुजरात में भी समाजवादी पार्टी का जलवा, अखिलेश की गुजरात में एंट्री, टेंशन में मोदी शाह की जोड़ी। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ने खाता खोल लिया, मोदी शाह के गृह राज्य में अखिलेश ने पसार लिए पैर। लोकसभा चुनावों में सपा गुजरात से कई सांसद बनाएगी। डिंपल, अखिलेश, शिवपाल मिलकर गुजरात में खेल करने वाले हैं। जो मुलायम न कर पाए थे वो टीपू भैया ने कर दिखाया। मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव की जीत पहले से ही तय थी, क्योंकि चाचा जो साथ थे। मुलायम सिंह यादव की विरासत मैनपुरी को बचाने में एक बार फिर सपा कामयाब हो गई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज शाके को 288,000 से ज्यादा अंतर से बुरी तरह हराया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अखिलेश यादव की करहल विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा वोट चाचा शिवपाल की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से मिले। जाहिर है इस चुनाव में चाचा शिवपाल अपना दम दिखाने में कामयाब दिखे, लेकिन असली खुशी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को गुजरात चुनाव से हुई है। जी हां, मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को तो जीतना ही था और वो हुआ भी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सपा ने प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में अपना खाता खोल दिया है। और पोरबंदर के कुटनिया विधानसभा सीट से सपा के उम्मीदवार कांधल भाई जडेजा ने 26,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की है। कांधल भाई जडेजा इस सीट से लगातार दो बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर, तो कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। कांधल भाई जडेजा गुजरात के लेडी डॉन संतोख बेन सरमन भाई जडेजा के बेटे हैं। सपा ने उन्हें पोरबंदर की कुटियाना सीट से टिकट दिया था। वो 2012 से 2017 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार गुजरात चुनाव से पहले ही वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। वो गुजरात के एनसीपी के इकलौते विधायक थे, लेकिन इस बार वो सपा के इकलौते विधायक बन गए हैं। जडेजा की जनता के बीच पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग उन्हें भाई कहकर ही बुलाते हैं। उनकी मां संतोख बेन सरमन भाई जडेजा पर एक फिल्म गॉड मदर भी बन चुकी है। संतोख बेन पर 500 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। उनके बेटे कांधल भाई जडेजा पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि वो दोनों अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं और उनको अतीत से जुड़ा हुआ बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांधल भाई जडेजा गुजरात की किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, जीत उनकी ही होनी है। इससे उनके दबदबे का साफ साफ पता लगाया जा सकता है। कांधल भाई जडेजा की इस जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने गुजरात में अपना खाता खोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए कुल मिलाकर नतीजों का दिन अच्छा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने प्रचंड जीत हासिल की, तो दूसरी खुशी इस बात की होगी कि सालों से चाचा और भतीजे के बीच चल रहा मनमुटाव अब आधिकारिक तौर पर भी खत्म हो गया। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपी का विलय सपा में हो गया। इस खुशी को उन्होंने ट्विटर के जरिए शेयर भी किया। जैसे ही पीएसपी का सपा में विलय का ऐलान हुआ, उसके साथ ही शिवपाल यादव की गाड़ी का झंडा भी बदल दिया गया। शिवपाल के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर से पीएसपी का झंडा हटाकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया। शिवपाल के सपा में ज्वाइन होने के बाद उनके समर्थकों ने कहा कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, चाचा और भतीजे एक साथ आने से हो सकता है कि 2027 से पहले ही प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाए, और अब तो यूपी के साथ गुजरात में भी सपाइयों का जलवा कायम हो रहा। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में डिंपल के उम्मीदवार बनते ही शिवपाल सिंह यादव उनके लिए प्रचार करने लगे थे। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने एक साथ कई जनसभाएं की थी। इससे पहले शिवपाल यादव ने वोटरों का धन्यवाद देते हुए ट्वीट में लिखा था, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह और अपार जन समर्थन के लिए सम्मानित जनता, शुभचिंतकों, मित्रों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। जसवंत नगर की सम्मानित जनता की ओर से श्रीमती डिंपल यादव जी को दिए गए आशीर्वाद के लिए जसवंत नगर वासियों का सहृदय धन्यवाद। मैनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले हुए लोकसभा उपचुनावों में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी की हार हुई थी और बीजेपी की जीत हुई थी। इसी के चलते मैनपुरी, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसे बचाना समाजवादी पार्टी की ताक के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था। तो शिवपाल डिंपल अखिलेश की जोड़ी ने अपना गढ़ तो महफूज किया ही, साथ ही मोदी शाह समेत समूची बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी कमाल करके दिखा दिया। अब भाई सपा का इतना क्रांतिकारी प्रसार होगा देश भर में, तो बीजेपी आलाकमान का टेंशन में आना लाजमी है। टीपू भैया की गुजरात में जीत को लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही तमाम सटीक, सरल और सार्थक खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज लॉन्चर को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सपोर्ट करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।